जय हिंद दोस्तों, आज हम बनाएंगे स्वीट कॉर्न सूप। चलिए शुरू करते हैं। एक मिक्सिंग जार के अंदर हाफ कप स्वीट कॉर्न ले लें और हाफ कप पानी डाल के अच्छे से एक प्यूरी बना लें। आप प्यूरी को देख सकते हैं, हमें इसी तरह की प्यूरी बनानी है। चलिए अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेके एक टेबलस्पून बटर डालें और तब तक मिक्स करें जब तक बटर पूरा पिघल ना जाए। हमारा बटर पिघल चुका है, अब हम इसमें कटा हुआ मिर्च और लहसुन डाल के अच्छी तरह भुनेंगे। हमें तब तक भुनना है जब तक लहसुन का कच्चापन निकल ना जाए। अब हमें प्याज डाल के सुनहरा होने तक भुनना है। इस दरमियान फ्लेम को हाई पे ही रखें और अच्छी तरह मिक्स करते रहें। अब हम कढ़ाई में काली मिर्च और नमक डाल देंगे और साथ में स्वीट कॉर्न को भी डाल देंगे और अच्छी तरह भुनेंगे। दोस्तों, मैंने काली मिर्च को यहाँ पहले ही डाल दिया था क्योंकि काली मिर्च जब भूनते हैं तब उसका एक अलग ही टेस्ट निकल आता है। अब हम बाकी की सब्जियाँ भी डाल देंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह भुनेंगे। क्योंकि हम हाई फ्लेम पे कुक कर रहे हैं इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें हमने जो प्यूरी बनाई थी वो ऐड कर देंगे। एक टीस्पून शक्कर भी डाल देंगे, शक्कर से एक अलग सा टेस्ट निकल आता है। मिक्सिंग जार में थोड़ा पानी डाल के उसको भी धो लेंगे और अब गर्म पानी ऐड करेंगे। गर्म पानी ऐड करने से सूप का टेस्ट बना रहेगा। अब हमें इसे उबलने देना है और बीच बीच में चम्मच से मिक्स करते रहना है। हमारा सूप तैयार हो रहा है, साथ में आप इसे चख लें। अगर आपको नमक की जरूरत पड़े तो अब इस स्टेज पे ऐड कर लें। हमारा सूप उबल चुका है और आप देख सकते हैं एक झाग सा बन के आया है। हमें इस झाग को निकाल लेना है। घबराइए नहीं, ये हमने जो प्यूरी डाली थी बस उसी का झाग है। झाग निकलने के बाद फिर से उबलने दे। अब एक कटोरी में एक चम्मच कॉर्नफ्लावर ले ले और थोड़ा सा पानी मिक्स करके अच्छे से घोल बना ले। हम इस घोल को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। आप सूप को देख सकते हैं, अगर आपको और गाढ़ा सूप चाहिए तो बाकी का घोल भी डाल दें और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। सूप अच्छे से उबल चुका है, अब हम इसमें धनिया डाल देंगे। एक टेबलस्पून बटर डाल के तब तक हिलाएंगे जब तक बटर पूरा पिघल ना जाए। जैसे ही बटर पिघल जाएगा आप गैस को ऑफ कर दें और गर्मा गर्म सर्व करें। दोस्तों, आप इसकी सामग्री लिख लीजिए। गर्मा गर्म सूप को थोड़ा धनिया और काली मिर्च डाल के इसका लुत्फ उठाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और साथ में सब्सक्राइब भी कर दे। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।